आराम से। कोरोना जैसी महामारी में भूखों को भोजन व अन्य सामग्री देने के लिए एक साथ आगे आए समाज सेवी। खबर वाराणसी से है, जहां एक ओर देश में महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे निपटने के लिए हमारी सरकार भरसक प्रयास कर रही है। वहीं बाहर से आए लोगों को भोजन, मास्क इत्यादि भी वितरित किया जा रहा है, जिससे कि उनकी जरूरत पूरी हो सके। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में एक व्यक्ति ने मास्क, सैनिटाइजर समेत तमाम चीजों को लोगों में वितरित किया, जिससे कि इसकी रोकथाम की जा सके। आपको बता दें कि इस मुसीबत की घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है, इससे मिलकर सामना कर रहा है। जरूरतमंद सामान देने उतरे समाज सेवी वाराणसी में फंसे यात्रियों को एनजीओ और तमाम संगठन भोजन खिलाने में लगे हुए हैं। वहीं समाज सेवी अशोक सिंह ने कोरोना वायरस के कहर में फंसे उन लोगों की मदद की जिनके जेब अब तक खाली हो चुके हैं। उनके कपड़े धुलने नहाने के साथ साथ मास्क का वितरण भी किया। क्या वितरित किया आज आप लोगों ने और कहाँ पे वितरित किया? देखिए, जो दौर चल रहा है बीमारी का, कोरोना वायरस का, उसका दौर सभी को पड़ रहा है, इसलिए हमारी अपनी एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी निभा रहे हैं। और हमारे यहाँ फंसे हुए बनारस में जो यात्री हैं बाहर के, जिनको जाना है अपने गंतव्य पे, वो नहीं जा पा रहे हैं, इस जगह पे बैठे हैं। आपके माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम लोगों ने उसको दूर करने की कोशिश की है। क्या वितरित किया आप लोगों ने, कितनी संख्या में? जो कोरोना वायरस से बचने के लिए छोटा मोटा उपाय हो सकता है, जितनी औकात है उतना कर दिया है। एक आप मास्क दिया है, साबुन दिया है, कपड़े का साबुन दिया है, तेल दिया है, हर वो चीज़ दी है जो उनको ज़रूरत है। अगर और ज़रूरत है तो वो भी पूरा करेंगे। क्या किसी संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है या खुद से? नहीं, ये जागा हुआ बंदी वाली बात है कि सेल्फ है, कोई संस्था नहीं है, ना कोई चंदा है, ये अपनी आप लोगों के माध्यम से और देश की सेवा है, इसको जरूरी करना चाहिए। लगभग कितने लोगों को आपने ये सामान, जरूरी सामान बांटा? अब आप देख ही रहे हैं, इसमें प्रांगण में जितने लोग हैं वो सभी लोग पाए हैं और सभी लोग खुश हैं।